1984 में दिल्ली की सड़कों पर इंदिरा गांधी की मौत के बाद फैला वो खून का मंजर, ये तस्वीरें आज भी बयां करती हैं। आज की इस रिपोर्ट में हम यह जानेंगे कि पिछले 32 सालों में आखिर इस वीडियो कॉलोनी में क्या बदला। अक्टूबर 1984 में इंदिरा गांधी की हत्या के बाद दिल्ली की सड़कों पर सिखों की हत्या का यह मंजर आज भी रूह को हिला देता है। दिल्ली के तिलक विहार, जिसे लोग विधवा कॉलोनी के नाम से भी जानते हैं, वहां के शहीदगंज गुरुद्वारे में लगी उस घटना के पीड़ितों की तस्वीरें सारी कहानी अपने आप बयां करती हैं। हमारे तो शरीर भी पूरा साथ नहीं देता, दिमाग भी पूरा साथ नहीं देता। आप देखो तस्वीरों को क्या हाल है, एक बताओ, ये देखो इधर देखो, इसने अभी ये दूल्हे का चेहरा है, मेहंदी भी नहीं उतरी है, देखो आप इधर इस बच्चे ने क्या कर, ये बताओ मुझे, मेरे जैसे का हो सकता है मामला, इसका क्या कर, उसे बताओ मुझे, इस बुजुर्ग का क्या दोष है बताओ। 31 अक्टूबर की वो सुबह जब इंदिरा गांधी अपने आवास से एक टीवी चैनल को इंटरव्यू देने जा रही थी, तभी उनके गार्ड बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने उन पर गोलियां बरसा दी। और कुछ देर बाद जब उनकी मौत की घोषणा की गई, उसके बाद से ही दिल्ली में हर जगह सिखों को मारा जाने लगा और हालात पूरी तरह से बेकाबू हो गए। हमारे साथ तो भाई हर जगह अन्याय है, अगर न्याय को जला सकता है तो इस देश की पब्लिक, इस देश की प्रेस जला सकती है, वो भी न्यायालय की आंखें खोलकर। हमारा निवेदन है न्यायालय खुद स्वयं जागरूक हो कि जब इनके ऊपर 120 की दफाएं सब जगह सब आयोग ने घोषणा कर दी है, तो पहले इनको जेल में डालो, फिर इनके ऊपर मुकदमा चलाओ। तो गवाह भी हो, गवाह बिकेगा भी नहीं, गवाह सही देगा, फिर इनको सजा दो। नेशनल 1984 विक्टिम जस्टिस एंड वेलफेयर सोसाइटी के अध्यक्ष बाबू सिंह दुखिया या फिर ऐसे ही लाखों सिख हैं जो आज तक इंसाफ की राह देख रहे हैं, चाहे केंद्र की मनमोहन सरकार हो या फिर मोदी सरकार या दिल्ली की शीला और केजरीवाल सरकारें। सभी ने इंसाफ दिलाने का वादा तो किया, लेकिन सिर्फ कुछ मुआवजा देकर मामले को निपटा दिया और सभी सिख आज भी इंसाफ की जंग हार रहे हैं। सरकारें आती रहीं, सरकारें जाती रहीं, लेकिन सिखों को इंसाफ अभी तक नहीं मिला। उस घटना को 32 साल होने को है, उस घटना के ऊपर फिल्म तो बन रही है, लेकिन सिख आज भी इंसाफ के लिए अपनी लड़ाई को लड़ रहे हैं। पंजाब चुनाव भी आ रहे हैं, देखना यह होगा कि यह मुद्दा एक बार फिर गर्म होता है या नहीं। कैमरामैन सौरभ आनंद के साथ मोहित ग्रोवर।